आपका स्वागत है बच्चों। पकवान तो लाजवाब ही लग रहे हैं टुनटुन। सिपाहियों इन्हें अंदर रख दो। महाराज डांडिया कब शुरू होगा? मैंने और यक्कू ने भी नए स्टेप सीखे हैं। कितना भी सीख लो मेरे शानदार स्टेप्स देख के सब चकाचौंध रह जाएंगे। अरे वाह सब तैयार है तो डांडिया शुरू करें। क्या हो रहा है कीचक? कीचक और मनु ने सारे पकवान खत्म कर दिए। कालिया झूठ बोल रहा है, सारे बर्तन पहले से ही खाली थे। कीचक और मनु तो हमारे साथ डांडिया खेल रहे थे। इसका मतलब खाना चोर कोई और है। लेकिन सारे जोलकपुर वासी तो यहाँ है। हो सकता है हमारा चोर भी वही हो। ये तो डाकू मंगल सिंह और उसके साथी हैं। साथ में बुरी परी भी है और हमारा खाना भी। कितना आसान था राजा के महल से खाना चुराना। किसी को पता भी नहीं चला कि वहाँ मेरे आदमी थे। मंगल सिंह अब हमारे साथ थोड़ा डांडिया भी खेल लो। भीम और उसकी टोली, इन्हें किसने बुलाया? बुलाया नहीं, हमें माँ के हाथ के खाने की खुशबू यहाँ ले आई। देखो बुरी परी, त्योहार के दिन लड़ाई झगड़ा करने का मेरा मन नहीं है। क्यों ना इस मामले को हम डांडिया मुकाबले से सुलझा ले। बोलो मंजूर? मंजूर है भीम। आया है खुशियों का समय क्योंकि आया है खुशियों।
डाले, इन्हीं की माला जपा करे, माँ शक्ति करती सब समाधान, दुर्गा माँ करे सबका कल्याण, माँ लक्ष्मी दुनिया चलाए, माँ सरस्वती ज्ञान दिलाए, अलग अलग तरीकों से सभी दशहरा मनाते हैं, बच्चे हो या बूढ़े सभी मौज उठाते हैं, सभी मौज उठाते हैं। त्योहार दशहरे का आया, खुशियाँ अपने संग ले आया, अब बाजेंगे मस्ती के ढोल बोले के सब मीठे बोल, नए नए चमकीले कपड़े पहने, दोस्तों के संग मजे करे, गरबा करे पूरी रात, डांडिया खेले अपनों के साथ, नवरात्रि में सब नाचते गाते, नवरात्रि में सब नाचते गाते, माँ शक्ति के नौ रूप याद, आया खुशियों भरा सवेरा, आया खुशियों भरा सवेरा, आया खुशियों भरा सवेरा। ढोलकपुर के वासियों, मैं एक दिन के लिए भारत के सारे राजाओं से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन आपको अकेला छोड़कर नहीं। सोनी, सोनी, आप सबके गुणों को परखने के बाद एक दिन का राजा चुनेगी, उसे सुनहरा टिकट देकर। एक दिन के लिए ढोलकपुर का राजा नहीं। घंटी की रिंग
इंतजार कर रहा हूँ। इतने समय में तो मैं खुद जादू टोना सीख लेता। कब मिलेगी मुझे भीम को हराने की ताकत? ये तिरिक बिरिक से कुछ होता भी है क्या? तिरिंग बिरिंग घंटी बजें, पर 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 कौवा उड़ें, तिरिंग बिरिंग घंटी गिरें, पर 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 तोता उड़ें, दे दो मुझे शैतानी काली किताब। ये छुटकू सी चीज क्या है? बदतमीज आदमी, ये वही जादुई किताब है जिसमें लिखे हुए मायावी मंत्रों से तुम भीम को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। अब जाओ, नहीं तो ये गंदगी भी तुमसे ही साफ करवाऊंगी। मुझे तो जलेबी खाने का मन कर रहा है। आइडिया अच्छा है राजू, मैंने सुना है आइसक्रीम के साथ जलेबी का मजा कुछ और ही है। अरे ये क्या हो रहा है? ये लोग किससे भाग रहे हैं? मकल सिंह, चले जाओ ढोलकपुर से, वरना वरना क्या भीम है? वरना क्या, आज तुम्हारी धमकियों से मैं नहीं डरने वाला। भीम! भीम! लड्डू! मेरी कमर! भीम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम हारने के लिए तैयार रहना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो फिर आएगा? आज का दिन हम यहाँ बिताने वाले हैं। अपनी आंखें खोलो दोस्तों। शेर पहुंचते हैं, चूहे नहीं। दूर से जितना भयानक दिख रहा है उतना होगा नहीं, चलो मजे करें। तो भी यहाँ है, अब क्या करें सरदार? जो हम करने में माहिर हैं, डकैती और चोरी, और इस बार हम भीम को चकमा देकर ही रहेंगे। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में बॉल कप के आर पार, किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। Huh?
बात है। दोस्तों, मंगल सिंह ने हमें उल्लू बनाया है। वो सुरक्षा मंगल गार्ड ही मंगल सिंह है। वो तो हमारा सब कुछ लेके भाग गया भीम। अब हम क्या करेंगे? मंगल सिंह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये देखो पैर के निशान। ये निशान तो ताजा है। हमें सतर्क रहना चाहिए। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अब होगी असली पिक्चर शुरू। इसके पास इतनी ताकत कैसे आई? अब मेरी बारी। मुझे लगता है कि ये पहले से ही काफी सजा भुगत चुका है। तो चलो आइसक्रीम और जलेबी की जुगलबंदी चखने। किसी को अजीब सी बू आ रही है क्या? मॉन्स्टर कचरे से दूर भागता है, इसलिए हमने ही कचरा फैलाया है। मॉन्स्टर कचरे से डरता है? बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे बात को बाद में हजम करना। पहले अंदर चलो, इस बदबू से मेरा दम घुट रहा है। लड्डू खाओ, अब सब ठीक लगेगा। पर्यावरण दिन पर पौधे लगाने का आइडिया बहुत अच्छा था भीम। मैंने तो आपके लिए पेड़ लगाए, केले काजू। मैंने आम के पेड़ लगाए हैं, जिस पर ढेर सारे रसीले आम आएंगे। नौटंकी बंद करो। बड़ी स्वादिष्ट लॉलीपॉप है। मत चिल्लाओ भीम, बड़ी भूख लगी थी। इस चक्कर में केला रोक के बैठा था। अरे ये तो डबल केला निकला। काला कुत्ता, मतलब बुड्ढा बाबा। अपनी ही चालों पर हंस रहे हो भीम।
नहीं करने वाली, ना और नौटंकी के लिए रुकने वाली हूँ। मैंने क्या किया? चुटकी वापस आओ। ये गुलाब तो मेरी सोच से भी प्यारे हैं। इनका रंग तो टमाटर से भी लाल है। कालिया, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों दिख रहे हो? कालिया, थोड़ा सब्र करो, कुछ कुछ पौधे धीरे धीरे से बढ़ते हैं। उस्ताद, आपने तो कहा था रसीले फल आएंगे। यहाँ तो पौधा भी ठीक से नहीं आया है। आपने पानी तो डाला था ना? वो तो मैंने तुम्हें करने को कहा था। शांत हो जाओ सब, लड़ो मत, मेरे पास काफी पानी है। देखा, मेरा पौधा भी बढ़ गया। वाला पौधा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये कैसी जगह आ गया हूँ मैं? तुम ढोलकपुर में हो? तुम्हारे इस ढोलकपुर में मेहमानों को खाना नहीं दिया जाता है क्या? पहले ये बोलो तुम कि तुम पौधे होकर बोल कैसे रहे हो? जग्गू, तुम भी तो बंदर होकर बोल पाते हो। शांत हो जाओ, ये लो दोस्त पानी। नाम क्या है तुम्हारा? नागफनी। हाय नागफनी। पानी पानी पानी। Thank you.
मेरा पौधा। आए आए, फिर से काटा। किसी को अजीब सी बू आ रही है क्या? ढोलकपुर पर कचरा मॉन्स्टर का साया मंडरा रहा है। अच्छा, तो इस मॉन्स्टर ने सब जगह कचरा फैलाया है? नहीं, कहते हैं कचरा मॉन्स्टर कचरे से दूर भागता है, इसलिए हमने ही कचरा फैलाया है। मॉन्स्टर कचरे से डरता है? बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे बात को बाद में हजम करना। पहले अंदर चलो, इस बदबू से मेरा दम घुट रहा है। तुम सब लड्डू खाओ, अब सब ठीक लगेगा।